हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सच कंप्यूटर 123 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्रदर DCP L2520D प्रिंटर का ड्राइवर कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको फ्रेंड्स इंस्टॉल करने का भी तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको टाइप करना है ब्रदर DCP L2520D ड्राइवर डाउनलोड। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको इंटर प्रेस कर देना है। फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना है आपको। तो मेरा जो है फ्रेंड्स विंडो 10 है, 64 बिट है। अगर मैं आपको सिस्टम में ले जा कर दिखा दूँ तो दिस PC पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आप अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम बिट देख सकते हैं। तो मेरा विंडो 10 64 बिट है, तो मैं इसे यहाँ से जो है फुल ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर पैकेज, तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल आप जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे एग्री टू द डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ब्रदर का ड्राइवर जो है DCP L L2520 का ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। मैं इसे डाउनलोड में ले जाके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट काफ़ी स्पीड है फ्रेंड्स, तो ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है, नहीं तो आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकता है। तो मेरा इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो ये जल्द ही डाउनलोड हो गया ये सेटअप। तो 166 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये जैसे ही डाउनलोड कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं इसे शो द फोल्डर पर क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करके आपको जो है मैं आपके इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ही इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं डाउनलोड में गया और यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसे आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल आप अपने सिस्टम में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, आपको इंस्टॉल ये ऑटोमेटिक, बाकी जो प्रोसेस आगे आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जब तक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ी से जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज रहने देना है, यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये यूनाइटेड स्टेट है तो इसे आपको रहने देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपका सिस्टम जो है प्रॉपर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे यस पर क्लिक करके आपको जो है स्टैंडर्ड पर ही, या आप चाहें तो कस्टम पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना जो है शुरू हो चुका है। तो ये आपके सिस्टम में कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। ये मेथड है, आप खुद से भी ब्रदर का जो है ड्राइवर जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप बने रहें, मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आधा से ज़्यादा जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको 3 से 4 मिनट के अंदर में आपका जो है ड्राइवर जो है इंस्टॉल आपके सिस्टम में हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे प्रिंटर केबल कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फ़िलहाल जो है फ्रेंड्स प्रिंटर जो है मेरा नहीं है, मैं आपको बताने के लिए इसे इंस्टॉल करके ड्राइवर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके बताने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड। बस आप प्रिंटर केबल इसमें कनेक्ट करेंगे
और आपका ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा और काफ़ी आसानी से आपका जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर